रात बड़ी, फूल लिए परवरी खड़ी, तेज हुई सूरज की टार। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का एक रूप ये भी देखिए, यहाँ बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उन बच्चों की जो बेहद गरीब है और लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सब हो रहा है इंदौर पुलिस की वजह से। इंदौर पुलिस के कुछ जवान यहाँ अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद आते हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी इससे काफी खुश हैं और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारी जो बचपन और हमारा जो समय बीता है तो वो इन बच्चों का ना बीते, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास करा है जिसका नाम ऑपरेशन स्माइल है। इसके माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो उनको हम शिक्षा के द्वार तक पहुंचाना और उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल नहीं जाने का कारण कभी पता किया क्या कारण है, इनके घर की स्थिति क्या है, क्यों नहीं जा पाते? 2016 में सर जब यहाँ आया था मैं, तब यहाँ पर कुछ ही बच्चे स्कूल जाते थे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर एक शिक्षा का माहौल बना और यहाँ पर हमने बच्चों को जो सुविधाएं रहती है और अधिकतर जो बच्चे हैं इसमें जो बारात में जो लाइट होती है, बत्तियाँ होती हैं, वो उठाने का काम करते थे, तो घर से भी कोई पढ़ाई को लेकर इनके जागरूकता नहीं थी। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पर एक शिक्षा का माहौल क्रिएट करा, एक क्लास लगाना चालू करी जो कि हर संडे लगती थी, उसको देखकर जो अन्य बच्चे थे वो भी जागरूक है, उनको हमने शिक्षा की सामग्री, स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, ये सब मुहैया कराना चालू करे। यहाँ पे ना मैं संजय भैया, यहाँ पे पढ़ाई स्कूल तो बंद है लेकिन संडे की क्लास में हर बार पढ़ाने आते तो पढ़ाई होती है। स्कूल जैसा अभी बंद है, लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद से कोरोना के कारण जो है स्कूल बंद है, स्कूल खुले नहीं है, तो क्या पढ़ाई बराबर आपकी चालू है? हाँ। फाइल क्या काम करते हो आप, क्या पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो? घर का काम भी करते हैं और बाहर का काम भी, झाड़ू पोछे का करते हैं। मतलब दूसरों के घर काम करने जाते हो? हाँ। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही थी और आप जो जब ये लॉकडाउन लगा उससे पहले? 6 क्लास में पढ़ रही थी। तो मन में क्या है कि अभी पढ़ाई आपने जैसे यहाँ जारी रखी है, पुलिस वाले जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ में आप यहाँ पढ़ने आ रही हैं, तो मन में क्या है, पढ़ लिख कर क्या कुछ करना चाहती हैं? पढ़ लिख कर हम पुलिस बनना चाहते हैं। अपने जवानों के इस काम का पता जब एसपी को लगा तो बेबी यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाए। एसपी साहब बच्चों के बीच पहुँचे और अपने जवानों के इस काम के लिए उनकी तारीफ की। नहीं, 5-6 दिन पहले ही मुझे यह ज्ञात हुआ था कि हमारे कुछ पुलिस के अधिकारी जवान एक बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं ऑपरेशन स्माइल के नाम से, जो गरीब बस्ती के बच्चे हैं जो स्कूल ठीक से जा नहीं पाते हैं या जाते हैं तो उनकी ठीक से वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है, इन्होंने अपने जिम्मा लेकर के हर रविवार को अपने कुछ समय निकाल करके इन लोगों को इस समय 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ाते हैं। ये बड़ा सराहनीय काम है। जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैंने इन लोगों से कहा कि मैं इस रविवार को यहाँ बच्चों के बीच में आकर के उनसे बात करना चाहूँगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अभी मैंने बच्चों से ही बात की, बच्चे वास्तव में बहुत खुश हैं और ये लोग जो काम कर रहे हैं उसका वास्तव में रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चे तो यहाँ 4-5 साल से इनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं और उनके स्कूल में भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। ये बहुत अच्छा काम है। पुलिस आमतौर पर हमेशा नेगेटिव काम करती ज़्यादा नज़र आती है। सर, पुलिस आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर में ही लगी रहती है, किस तरीके से समय निकालते होंगे? हाँ, यही तो मतलब सराहना की तो बात यही है कि ये लोग अपने व्यस्त समय में से जो संडे को थोड़ा बहुत समय आमतौर पर मिल पाता है पुलिस कर्मियों को, क्योंकि उस दिन शासकीय कार्यालय अदालतें सब बंद रहती हैं, उसको भी अपने परिवार को न देते हुए गरीब बच्चों की पढ़ाई पे दे रहे, ये इनका बहुत सराहनीय काम है। और आज मैंने इन लोगों को बताया है कि ये लोग अपना सबका लिस्ट बनाकर मुझे भेजेंगे, मैं इन सब के इस गुड वर्क के लिए तारीफ भी करूंगा और 500 रुपये का नगद इनाम भी दूंगा। इंदौर पुलिस के जवान पिछले 4 वर्षों से इस बस्ती में ये स्कूल चला रहे हैं। अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने के बाद ये जवान देश का भविष्य संवारने का काम भी बखूबी से कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।